हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज का टॉपिक है यार ट्रेड लाइफ साइकिल। आज की वीडियो में हम लोग ट्रेड लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, क्या होता है, क्या मेन प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है जो आपको दिख रहा है वो क्या होता है, और कैसे आप उसको अपने एग्जाम में या पीपीटी के लिए एक्सप्लेन करोगे सिंपल स्टेप्स में। तो यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार ये एक मैं पहले बता दूं, ये एक यूजर रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो अगर आपको भी कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि ट्रेड लाइफ साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानने की बात है कि ट्रेड क्या है, यहाँ पर ट्रेड को किस चीज से रेफर किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग ट्रेड को जाने तो ये ऑफकोर्स ही बात है यार, यहाँ पे बात हो रही है आपको शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है, तो आप जब स्टॉक मार्केट में कुछ खरीदते हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको एक ट्रेड कहते हैं, यानी कि एक ट्रेड होना, दैट इज अ ट्रेड। यानी कि जब बाई और सेल का प्रोसेस होता है तो वो ट्रेड कहलाता है। ठीक है, किसी ने बेचा किसी ने खरीदा, वो एक ट्रेड हुआ। ठीक है, दैट इज अ ट्रेड। तो अब उस ट्रेड का क्या साइकिल होता है, यानी कि कैसे ट्रेड शुरू होता है और कैसे खत्म होता है, वो जा करके हम लोग उस ट्रेड लाइफ, उसको ट्रेड लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, हम लोग ये जानेंगे कि ट्रेड लाइफ साइकिल यानी कैपिटल मार्केट क्या होता है। ठीक है, अब आप इसके दो तीन जगह देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये ट्रेड लाइफ साइकिल जो कोरा.com के हिसाब से भी आपको यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम, तो और यहाँ पे ये 5 इयर्स के साइड पे दिख रहा है। ठीक है, हम लोग कैपिटल मार्केट को रिप्रेजेंट करते हुए मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, एक बार ये भी दिखाऊंगा ये भी बताऊंगा, दोनों में कुछ बेसिक ऐसा डिफरेंस नहीं है, है टॉपिक सेम लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। जो भी लोगों को लगता है कि नहीं सर हमारे यहाँ पास कुछ और पढ़ाया जा रहा है, तो यार पढ़ाने का तरीका अलग हो जाएगा लेकिन वो प्रोसेस आप 5 के 10 कर दो लेकिन रहेंगे वही चीज। ठीक है, एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो जाता है, बस होता वही चीज है। तो अब हम लोग जानेंगे कि ट्रेड लाइफ साइकिल कैपिटल मार्केट में क्या होता है। कैपिटल मार्केट यानी कि ऐसी मार्केट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट मैंने पहले समझाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे नहीं ऊपर मैं आई कार्ड पे दे दूंगा यार, ऊपर देख लेना। और कैपिटल मार्केट क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए, जहाँ पे आपको शेयर्स, इक्विटीज ये सब आप खरीदते हो। मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म जो भी आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं वो आप जब खरीदते हो तो वो मनी मार्केट है। तो कैपिटल मार्केट में कैसे ट्रेड सेटल होता है, क्योंकि मनी मार्केट इज नॉट अबाउट ट्रेड, मनी मार्केट इज अबाउट यार बेचने वाले तो एक बैठे हुए हैं, आप वहां पे खरीद रहे हो, सिंपल बात है। ट्रेड लाइफ साइकिल में क्या, कैपिटल मार्केट में क्या चल रहा है, कोई बेचने वाला है कोई खरीदने वाला है, उसके बाद उस ट्रेड घूमती है, कैसे सेटल होता है कैसे नहीं होता है, वो चीज हम लोग यहाँ पे इसका प्रोसेस में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, सबसे पहले होता है ट्रेड ऑर्डर। ठीक है, द ट्रेड ऑर्डर यानी कि आपका ट्रेड का जो ऑर्डर है वो सबसे पहले रखा जाता है। मान के चल रहे हैं कि आप बाई कर रहे हो, कोई सेल कर रहा है, ठीक है, तो वो एक ट्रेड ऑर्डर है। आपको मान के चलो आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है 2500 रुपए में, ठीक है, अब तो चल भी रहा है आसपास में, तो किसी को बेचना है 2500 में, आपको खरीदना है 2500 में, तो वो एक ट्रेड ऑर्डर है जो कि पास होता है, शुरुआत वहीं से होती है इस साइकिल की। ठीक है, सेकंड होता है ब्रोकरेज हाउस एंड रिस्क मैनेजमेंट चेक। ब्रोकरेज हाउस यानी कि मान के चल रहे मैं जीरोधा से बेच रहा हूँ, बंदा एंजल ब्रोकिंग से बेच रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है आपको वो चीज हो रही है। बाय द वे अगर आपको अकाउंट खोलवाना हो तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है फ्री डीमैट अकाउंट खोलने का, आप नीचे चेकआउट कर सकते हो। अब पॉइंट इसकी ब्रोकरेज हाउस यानी कि उसका ब्रोकरेज कौन सा, मेरा ब्रोकरेज कौन सा, दोनों सेम है दोनों अलग है जो भी है, एंड मैनेजमेंट चेक यानी कि जो भी उसका रिस्क मैनेजमेंट है, यानी कि क्या कैसे बेच रहे हैं, एमसी हाउसेज हो गए जो भी हो गया, कहाँ से निकल रहा है कहाँ से नहीं निकल रहा है, एक तरीके से आपके पोर्टफोलियो जो है आपके पास, जो आपका एनएसडीएल सीएसडीएल जो होते हैं वहां से चेक होकर के आपके वहां से देखा जाता है कि हाँ भाई इसके पास ये स्टॉक है, इसके पास ये बेच रहा है ये खरीद रहा है, ये चीज वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, थर्ड होता है फाइंडिंग अ मैच। फाइंडिंग अ मैच यानी कि ये जो चीज मैंने कही आपको शुरुआत में, जो बेचने वाली या खरीदने वाली सीन है, ठीक है, वो यहाँ पर फॉलो अप होती है। यानी कि मान ले चलो मेरे को खरीदना था, मैंने एक ट्रेड ऑर्डर पास किया खरीदने का, ठीक है, अब यहाँ पे फाइंडिंग अ मैच में क्या, किसी को बेचने का जो मैच है वो यहाँ पे फाइंड होता है। यहाँ भाई अगर मेरे को 2500 में खरीदना है तो 2500 में कौन बेच रहा है, अगर कोई नहीं बेच रहा होता है तो वो पास नहीं होता है आगे, जब कोई बेच रहा होता है तो पास हो जाता है, फाइंड मैच पास हो जाता है, मतलब एक मैच मिल जाता है जो भी कह लो यार। फोर्थ आप आपको कंफर्मिंग द ट्रेड एंड द पोस्ट ट्रेड प्रोसेस। ठीक है, अब ये एक अलग डिटेल्ड है चीज, मैं पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बेसिक समझते हैं। ठीक है, कंफर्मिंग द ट्रेड यानी कि अब यहाँ पे मैंने 2500 का बाय ऑर्डर पास किया, यहाँ पे फाइंड मैच करने के बाद सेल ऑर्डर पास हो गया, 2500 का कोई बेच रहा था, यहाँ पे मैंने 2500 का खरीदने का पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रेड कंफर्म होती है कि हाँ भाई बेचने वाला भी है खरीदने वाला भी है, और उसके बाद का जो चीज है वो यहाँ पर टेक प्लेस करती है। यानी कि सिंपल सी बात है, आपको पता होगा जो ट्रेड लाइफ साइकिल का शॉर्ट फॉर्म है वो T+2 डेज है।
ठीक है, यानी कि आपको 2 दिन का, आप जब एक ट्रेड पास करते हो तो ट्रेड के दिन से आपको 2 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं वो पूरे साइकिल को कंप्लीट होने में, ठीक है। तो वो ये आपके पोस्ट ट्रेड प्रोसेस के अंदर का चीज है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, कभी भी ट्रेड लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो यार ट्रेड लाइफ साइकिल क्या है, इट इज जनरली अ T+2 टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। यानी कि जो ट्रेड हो रही है उसे 2 दिन एक्स्ट्रा समय लगते हैं उस ट्रेड को कंप्लीट पास ऑन कंप्लीट होने में, आपके अकाउंट से हट जाने में या आपके अकाउंट में सेटल हो जाने में, ठीक है। बहुत बार आप अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि आप जब आप कोई चीज खरीदते हो, आप शेयर खरीदते हो, तो पहले 1-2 दिन तक वो अपना वो वहीं पर रह जाता है, अपकमिंग में, यानी कि प्रोसेस में रह जाता है। 2 दिन के बाद वो जा करके आपके NSDL CSDL अकाउंट में जा करके दिखता है, डीमैट अकाउंट में दिखता है आपके, ये हो जाता है आपका कंफर्मिंग द ट्रेड। फिर आता है क्लियरिंग हाउस, यानी कि यहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई साहब इसके पास से बिकना था, बिक गया, इसके पास अब नहीं रही वो शेयर, उसके वो पैसे मिल गए हैं, ठीक है, और अपने पास आनी थी वो आ गए, ठीक है। ये है अपना द क्लियरिंग हाउस। और लास्ट है सेटलमेंट। सेटलमेंट यानी कि क्लोज दी गेट्स और दी शटर्स ड्यूड, बिकॉज यहाँ पे आपका पूरा जो सेटलमेंट हो जाता है वो यहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है। ये है प्रॉपर ट्रेड लाइफ साइकिल, जो कि एक ट्रेड से रिलेटेड आपको कैसे ट्रेड होती है यहाँ भी ये समझाया जा रहा है, ठीक है। सिंपल आपको अगर यार समझना है तो आपको ये समझने की ज्यादा जरूरत है कि जब एक ट्रेड होता है तो वो कैसे अकर करता है, वो क्या पीछे का प्रोसेस है। यार आप ऑफकोर्स आप उतना डिटेल में तो नहीं समझ पाओगे, ऑफकोर्स अगर आप अपने BBA BCom MBA में पढ़ रहे हो तो इसको आपको बेसिक अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ताकि सामने वाले को लगे कि यार आपको आता है, ठीक है। आप ऑफकोर्स की बात है ना, सामने वाला उतना डिटेल में पूछेगा ना, एग्जाम में आपको उतना डिटेल में आएगा, आपको बस ये एक्सप्लेन करना है कि यू नो दी बैक एंड प्रोसेस, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना ज्यादा जरूरी है। शेयर मार्केट में आप ट्रेड करते हो नहीं करते हो, लेकिन थोड़ा सा जानकारी ले लोगे तो इस चीज को आप ज्यादा अच्छे से बेटर एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि आप मान के चलो, जैसे जितने एग्जांपल्स मैंने बताए वो चीज आपको अगर बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो आप भी उसको या और मेरे से अच्छा एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। तो इसी चीज को आपको भी थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है। बाकी यही चीज है, पूरा ट्रेड लाइफ साइकिल कैसे अकर करता है और ये इसका प्रोसेस है, ठीक है। तो यही था यार आज के छोटे से वीडियो में, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना यार, और कमेंट करके बता दो अगर कुछ भी दिक्कत है या कोई और सवाल है, कोई नया टॉपिक है। और बाकी इंस्टाग्राम लिंक्डइन के भी लिंक्स मैं नीचे दे दूंगा, आप मुझे आकर के वहां पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं तब तक के लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।